दो बात तो साबित हो गई है महाराष्ट्र के चुनाव से, दो इंपॉर्टेंट बात तो लग रहा है। एक तो लग रही है कि एक तो शिवसेना उद्धव के प्रति मुस्लिम वोट के आने के बाद भी नाराजगी बनी हुई है, और असली शिवसेना आप ठीक कह रहे हैं उस मामले में शिंदे ने खुद को प्रूव किया है, कम सीट पे लड़के ज्यादा उनका विनिंग स्ट्राइक रेट ज्यादा है, तो अब खुद को उन्होंने प्रूव किया है। दूसरी एक बात और है कि करप्शन को बाय एंड लार्ज सोसाइटी जो है वो रिजेक्ट कर रही है। एनसीपी शरद पवार में तो अजीत पवार छिप जाते थे, लेकिन जब एनसीपी को छोड़ करके अजीत पवार इधर आए हैं तो उनको बहुत नुकसान हुआ है, अजीत पवार को नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। ध्रुव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो दो फिगर है, उद्धव ठाकरे को भी नुकसान और अजीत पवार को भी नुकसान, शिव शिंदे के ऊपर, शिंदे के ऊपर मराठा ने भरोसा जताया है और शिवसेना, असली शिवसेना शिंदे ही है, ये बात भी साबित हो रही है, और करप्शन में जो अजीत पवार का है उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है, तो और कांग्रेस का जो रिसर्जेंस है या एनसीपी पवार गुट का इंटैक्ट रखना, बल्कि और बढ़िया प्रदर्शन करना, ये दोनों साबित कर रहा है कि जनता का मूड कमोबेश वो उस न्याय के पक्ष में ज्यादातर खड़ा मिल रहा है, जैसे शरद पवार के पक्ष में खड़ा रहा, उनको लगा कि इतने 80 साल के बूढ़े हैं, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, उनको हाशिए पर लाया जा रहा है, सेंटीमेंट उनके समर्थन में गया। दूसरा कि शिंदे ने साबित किया कि हम मराठा हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक प्रकार से डायरेक्ट फाइट में भी उन्होंने एक प्रकार से आईना दिखाया और कांग्रेस उससे आगे बढ़ी है, तो आपको लग रहा है कि इन दोनों की हार है, उद्धव की और अजीत पवार की? बिल्कुल, ये उद्धव की भी हार है और अजीत पवार की भी हार है, और ये जो इनकी जो शक्ति थी उसको विहीन करने में कामयाब रही बीजेपी जो है, उनको अजीत को तोड़ के इन्होंने अपनी तरफ लिया जरूर, और उद्धव को भी शिंदे को अपनी तरफ लिया उद्धव को, और ये शिवसेना भी टूटी, लेकिन कुल मिला के दोनों ही पार्टियां शिवसेना के दोनों शिवसेना का गुट भी कमजोर हुआ और शरद पवार और अजीत पवार का भी ग्रुप कमजोर हुआ। लेकिन जो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन है, भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन ये है कि अपना कुनबा कैसे बढ़ाना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय करप्शन, रिवेंज, उन सब पे काम ना करके, मुझे जैसा लगता है जिस तरह एक्टिविटी चल रही है, नड्डा को हटा के अमित शाह को दोबारा लाना है या संगठन में फेरफेर करना, वो चाहते हैं कि कम से कम 350 सांसद हमारे साथ हों, जिससे जिस तरह हम लोग पिछले 10 साल में काम करते रहे। नहीं, अगर अगर ध्रुव जी, अगर उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को बोले कि मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं, तो क्या उद्धव ठाकरे को लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उससे फायदा होगा या नुकसान होगा महाराष्ट्र चुनाव में? देखिए, इस समय क्या है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान और फायदा कुछ भी होना वो एक लॉन्ग टर्म है, 5 साल बाद ही नेशनल लेवल पे देखा जाए, विधानसभा का मामला अलग है। इस समय सबसे बड़ी जो मोदी की जो प्रायोरिटी रहेगी, और वो प्रायोरिटी ये है कि अपने पास कम से कम 350 सांसद अपनी साइड में हों, जिससे कि कभी कोई भी, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे कोई है, वो ब्लैकमेल ना कर पाए और कोई अपनी जो उनके जो एजेंडा है उनको डिरेल ना कर पाए। तो वो इस समय चाहेंगे कि उद्धव भी उनकी तरफ आए, निर्दलीय भी उनकी तरफ आए, और जितनी बड़ा एनडीए का जो कुनबा है वो 350 लेवल पे पहुंचे। ये मेरे ख्याल से जो उनकी इस समय जो प्रायोरिटी है वो इन सब मुद्दों की जगह बेसिकली अपनी संख्या, जैसा मैंने कहा, पहले भी कह चुका हूँ कि मोदी जी और उसमें सिद्धांत क्या सही रहेगा, उसकी जगह वो केवल नंबर गेम और सिर का गेम, नंबर गेम में विश्वास रखते हैं कि अपने पास संख्या ज्यादा होनी चाहिए।
तो आज से ही मुझे लगता है निर्दलियों को और ये देखने के कि इंडिया अलायंस के कौन कौन से गुट उनकी तरफ नहीं, तो आप नहीं तो आप ये कह रहे हैं ध्रुव जी कि अभी जैसे कि चेक एंड बैलेंस टीडीपी के तरफ से या जेडीयू के तरफ से आने की बहुत संभावना है कि उनके तरफ से नखरेबाजी भी होगी, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनके नखरे को कंट्रोल में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए दूसरे तरफ से नंबर को बढ़ाने का इंतजाम करेगी। उसमें आपको लगता है कि अभी जैसे खबरें आ रही हैं कि निर्दलीय के 5 जो 17 हैं उसमें से 5 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, और इधर जो दूसरे लोग हैं क्या उनको भी तोड़ने की बात हो रही है? शिवसेना उद्धव को भी या तो तोड़ लिया जाएगा या उनका समर्थन ले लिया जाएगा या कोई ना कोई नाटक होगा क्या, जैसे पिछली बार वो टूट करके चले गए इनके साथ और वो बचे रहे लेकिन बाद में पता चला कि नहीं उनको तोड़ा गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो उनके जीते हुए सांसद हैं उनका समर्थन कर दें और उद्धव ठाकरे बोले कि साहब हमारा तो देखिए लेके चला गया, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है, ये अपनी सरकार को 5 साल स्टेबलाइज करने के लिए, जैसे इंडिया अलायंस आज कह रहा है कि अभी समय नहीं है लेकिन हम समय का इंतजार कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि कुछ हम तोड़फोड़ करके नीतीश चंद्र बाबू या कुछ लोगों को अपनी तरफ करके कोई बात करें, लेकिन उससे पहले ही जो बीजेपी है ये कोशिश कर रही है कि तैयार करके अपनी सरकार 5 साल के लिए स्टेबलाइज ऐसी कर लें कि किसी भी स्टेज पे बीजेपी की सरकार को 5 साल के लिए कोई अविश्वास प्रस्ताव या कोई तोड़फोड़ या कोई ब्लैकमेलिंग या कोई जो उनके एजेंडा है उसको डिरेल कर खतरा ना रहे, तो इसके लिए वो साम दाम दंड भेद चारों चीजें अपना के चाहे कैसा भी धन खर्च हो कैसा भी उसमें हो, तो जो मोदी और अमित शाह की अप्रोच रही है उसी के हिसाब से वो इस समय कोई भी उनके लिए अछूत नहीं है, कोई भी जो एनडीए के साथ है बीजेपी के साथ आ सकता है, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो दल हो चाहे वो निर्दलीय हो। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।